हो चुका आगाज रण का, युग बदलने की तैयारी जीत उसी की होगी जिसका संघर्ष है जारी। सिक्का उछल चुका है दोस्तों, अब हेड भी अपना होगा और टेल भी अपना होगा। चाहे कुछ भी परिणाम हो, अपना मतलब केवल सिलेक्शन होगा, केवल मंजिल की प्राप्ति होगी मित्रों। जैसा कि आपको पता है आपके इस उड़ान मैच की श्रृंखला में हिस्ट्री में हम जो कवर कर रहे हैं वो बौद्ध धर्म कवर कर रहे हैं, तो बौद्ध धर्म की जो पिछली क्लास है उनको बहुत ही अच्छे से, बहुत ही नोट्स वाइज, बहुत ही कॉन्फिडेंस के साथ आप लोगों ने देख लिया होगा। आज हम जो करने जा रहे हैं बौद्ध धर्म में, उसको भी आप बड़ी उम्मीद और बड़े कॉपी पेन लेकर के और बड़े ही कॉन्फिडेंस ले आप देखने जा रहे हो, बड़े ही ध्यान से देखना। बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास होने वाली है मित्रों, एक नंबर की क्लास होगी, आपका नंबर कहीं भी नहीं कट पाएगा, ये गारंटी देता है अरविंद कुमार। बस जरूरत है, बस ध्यान से देख लीजिएगा क्लास को, पूरे ध्यान से पूरे एकाग्रचित होकर देखना, देखना एक भी नंबर कटने ना पाए। एक एक पॉइंट को नोट्स बना के लिख लेना, उनको रिवाइज भी करना। मैं देखता हूं मंजिल कैसे मिलेगी। अरे सिलेक्शन आपका होगा, होगा तो आपका वरना किसी का नहीं। तो देखिए मित्रों कि इस हिस्ट्री में हम क्या पढ़ रहे हैं, इसमें हम पढ़ रहे हैं बौद्ध धर्म। क्या पढ़ रहे हैं इसमें हम, देखो बोलते हुए चलना, हम इसमें क्या पढ़ रहे हैं, बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म के बारे में हमने ज्यादातर पढ़ लिया था कि उन्होंने कहां पर ज्ञान प्राप्त किया था और उन्होंने ज्ञान प्राप्त करने के बाद कहां कहां कौन से उपदेश दिए थे, किसे दिए थे, अंतिम उपदेश कहां पर दिया था, सर्वाधिक उपदेश कहां पर दिए थे, उन्होंने कौन कौन से संघ बनाए थे और उन संघों से कौन कौन जुड़े थे। तो ये सब आपने, ये रामायण तो आप पढ़ चुके हो और निश्चित ही आप पर आ भी गई होगी। अब आगे देखिए, अब आगे जो इनके साहित्य हैं, आपके जो बौद्ध साहित्य हैं, इसमें हम पढ़ेंगे मित्रों बौद्ध साहित्य। क्या आपने देखो, उन्होंने ज्ञान की प्राप्ति की, उपदेश दिए, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने सोचा कि जब हम इस दुनिया में नहीं रहेंगे, भाई जिसने जन्म लिया है उसका निर्वाण तो होना ही है, ये तो निश्चित है, जिसका जन्म हुआ उसकी मृत्यु तो निश्चित है, तो जब हम नहीं रहेंगे तो हमारे जो उपदेश हैं उनको कौन देगा, लोगों को ज्ञान कौन देगा। तो उन्होंने साहित्य की रचना की और साहित्यों में अपने ज्ञान के बारे में उन्होंने पूरा भंडार, पूरी रामायण लिखकर पटक दी। तो उन्हीं साहित्यों में से हैं आपके कौन कौन से साहित्य, एक तो विनय पिटक, विनय पिटक, और एक है आपके श्रुत पिटक, श्रुत पिटक, और एक है आपके अभिदम्ब पिटक। अभिदम्ब पिटक, तो मित्रों देखिए, जो ये विनय पिटक है बौद्ध धर्म का, ये गौतम बुद्ध ने नहीं लिखे, इनको जो लिखा है विनय पिटक किसने लिखा है बताइए, तो विनय जो पिटक लिखा है वो लिखा है आपका उपाली शिष्य ने। जो गौतम बुद्ध थे उनके एक शिष्य का नाम था उपाली, उस उपाली शिष्य ने किसको संग्रह किया है, जो विनय पिटक, जो बौद्ध साहित्य में जो विनय पिटक है उसको संग्रहित, किस विनय पिटक को संग्रहित किसने किया है, तो वो किया है उपाली शिष्य ने। आपको समझ में आ गया होगा, एक बहुत ही प्रिय शिष्य था उपाली गौतम बुद्ध का, जिसने विनय पिटक को संग्रहित किया है। अब कोई किसी साहित्य को, किसी पिटक को अगर संग्रहित कर रहा है तो वो होशियार बच्चा तो होगा आपकी तरह, ये तो निश्चित है, बहुत तारीफ हो ली। अब यहां पर देखिए, तो विनय पिटक किसने संग्रहित किया, उपाली शिष्य ने। तो सूत पिटक, अब दूसरा आता है, ये जो सूत पिटक है यह किसने संग्रहित किया, विनय पिटक तो उपाली ने कर दिया, दूसरा जो सूत पिटक है वो किया था आनंद शिष्य ने। आनंद का नाम आप पहले भी सुन चुके होंगे, ये काफी फेमस चर्चित शिष्य रहा था गौतम बुद्ध जी का, ठीक है ना, जैसे क्लास में मॉनिटर होता है ना, तो मॉनिटर ज्यादा चर्चित होता है, तो उसी प्रकार क्लास का मॉनिटर जो शिष्य था, जो प्रिय शिष्य था, जिसका सबसे ज्यादा वर्णन जो बौद्ध धर्म में हुआ है शिष्यों के रूप में, तो वो कौन था, आनंद। आप इसको मॉनिटर की भी श्रृंखला दे सकते हो, क्योंकि आप अगर आप किसी भी क्लास में आप बचपन में पढ़े होंगे तो उसमें क्या होता है, मॉनिटर बना दिया जाता है, और आप अगर कोई भी हरकत करते हो तो आपके जो कान को पकड़ के वो टीचर के सामने आपको प्रेजेंट कराता है कि सर ये ऊधम मचा रहा था, सर ये बात कर रहा था, और फिर जो आपका जो अगला सीन होता है ना कि इसको तो छोड़ना नहीं है, उसी प्रकार क्या था, आनंद शिष्य था, जो सबसे ज्यादा चर्चित जो शिष्य था सूत्र पिटक का संग्रहित करने वाले आनंद शिष्य थे।
अविदम जो पिटक है उसका मोगली शिष्य ने, मोगली जंगल वाला नहीं, जंगल वाला मोगली नहीं जो आप जंगल में जो कार्टून में देखते हैं वो नहीं, ये मोगली जो शिष्य था उसने अभिदम्य पिटक को संग्रहित किया। तो ये तो साहित्य है। अब सबसे जो महत्वपूर्ण जो साहित्य था इनमें, सबसे जो महत्वपूर्ण साहित्य है वो है आपका सूत्र पिटक, जिससे प्रश्न बनते हैं, जिससे प्रश्न बनते हैं और इतिहास में उसने अपना महत्वपूर्ण रोल भी निभाया है। अरे उसी की वजह से ही तो जो आनंद शिष्य हैं वो बहुत ज्यादा चर्चित रहे हैं इतिहास में, वरना और ये जो उपाली और मोगली शिष्य तो इतने चर्चित नहीं है, ये तो केवल बौद्ध धर्म तक सीमित है। लेकिन यह सूत्र पिटक इतना चर्चित क्यों है उसकी वजह है मित्रों, पहली बात तो इसको एनसाइक्लोपीडिया, एनसाइक्लोपीडिया और बौद्ध धर्म कहते हैं, एनसाइक्लोपीडिया ऑफ बौद्ध धर्म किसे कहते हैं, सूत्र पिटक को कहते हैं। और मित्रों जो महत्वपूर्ण जो बात है कि यह पांच भागों में बटा हुआ है, इसको दूसरे पेज पर लिखते हैं, यह आपने उतार लिया होगा मुझे उम्मीद है, यह आपको और ढंग से जिससे समझ में आ जाए, सूत्र पिटक को अलग से समझाता हूं। ये उपाली शिष्य वगैरह ये तो आपने उतार ही लिए होंगे ना, उतार लिए नहीं उतारे, विनय पिटक हो, ये सूत्र पिटक और अभिदम्य पिटक, इनको तो आप उतार ही लेना। अब जो सूत्र पिटक है ये आनंद शिष्य को इतना चर्चित क्यों करवाता है वो ये देखिए, सूत्र पिटक बड़े ध्यान से देखना मित्रों, एनसाइक्लोपीडिया ऑफ बौद्ध धर्म कहलाता है, ठीक है ना। अब आगे देखिएगा, इसको पांच भागों में विभाजित किया था, जो आपके आनंद शिष्य थे उन्होंने इसको पांच भागों में विभाजित किया था। अब पांच भागों में कैसे कैसे विभाजित किया था वो देखिए, पांच भागों में विभाजित कैसे किया था, तो इसको किया था एक खुंदक निकाय, जैसे किताब में पांच चैप्टर नहीं होते उसी प्रकार ये पांच भाग हैं इसके खुंदक निकाय। जो खुंदक निकाय था मित्रों उसमें क्या था, 549 जो जातक कथाएं थी, जातक कथाएं मतलब जो आपके गौतम बुद्ध थे जो बौद्ध धर्म था उनके जीवन चित्रण जिन्हों में जिसमें लिखा था वो जातक कथाएं, उनको जातक कथाएं, जातक कथाएं क्या थी, जिसमें जो आपके गौतम बुद्ध थे उनके जीवन का वर्णन था, जीवन चित्रण था, वो जातक कथाएं थी। तो जातक कथाएं 549 जातक कथाओं का वर्णन किसमें था आपका, तो वो था खुंदक निकाय में, ठीक है ना। 500 पूरे गौतम बुद्ध के जीवन को चित्रण कर दिया आनंद ने, तो उसको बताइए इतिहास में याद क्यों नहीं रखा जाएगा। उसके आगे आता है अंगुत्तर निकाय, अंगुत्तर निकाय। अब अंगुत्तर निकाय में क्या है मित्रों, अंगुत्तर निकाय में 16 महाजनपद जो थे उनका वर्णन, 16 जो महाजनपद थे उनका वर्णन किसमें दिया गया है मित्रों, तो वो दिया गया है अंगुत्तर निकाय में। अब बताइए जिस शिष्य ने पूरे इतिहास के 16 महाजनपदों को वर्णित कर दिया, क्या उसको इतिहास में याद नहीं रखा जाएगा, रखा जाएगा ना। तो उपाली और मोगली को इसलिए याद नहीं रखा गया क्योंकि वो ज्यादा नहीं बढ़ पाए, तो इसने अंगुत्तर निकाय में क्या दिया, 16 महाजनपद। ऐसे ही और भी भागों में, जैसे दीर्घ निकाय में इसने बांटा था, दीर्घ निकाय, और दीर्घ निकाय के बाद मंझिम निकाय, मंझिम निकाय में इसने बांटा था, और संयुक्त निकाय, संयुक्त निकाय में इसने अपने इस सूत्र पिटक को, सूत्र पिटक को डिवाइड किया था। तो बताइए ये तो निश्चित ही अपने इतिहास में चर्चित रहा होगा, भाई 549 जातक कथाओं का वर्णन कर दिया, 16 महाजनपदों का वर्णन कर दिया, अपने सूत्र पिटक को पूरा खोल कर दुनिया के सामने रखा, पांच भागों में डिवाइड करते, तो ये तो निश्चित ही। अब आगे क्या हुआ था, जो बौद्ध धर्म था इसने एक मित्र त्रिरत्न और दिए थे, ये आपको लिखना भूल गया मैं, त्रिरत्न कौन कौन से थे, बौद्ध, सब बौद्ध धर्म को अपनाइए, संघ, सब शांति की नीति को अपनाइए, और धम्म, और सब धर्म को अपनाइए, ठीक है ना। तो ये त्रिरत्न थे, बौद्ध, संघ और धम्म, ये तीन नीति थी आपकी बौद्ध धर्म की, और जितने भी साहित्य थे वो आपको मैंने बता दिया है। अब चलते हैं आगे, अब आगे क्या हुआ था मित्रों, तो आगे हम देखेंगे जो आपकी
जो आपकी समितियां हुई, संगति हुई, जो बौद्ध संगति थी उनको देखेंगे। बौद्ध संगति कब, कहां और कैसे हुई थी, किसके राज्य में हुई थी, कौन अध्यक्ष था, इनसे प्रश्न बनता है। बौद्ध संगतियों से जो बौद्ध समिति थी, हेडिंग डालना मित्रों बौद्ध समिति। तो जो बौद्ध जो समिति थी उसमें पहली थी आपकी कब, 483 बीसी। बीसी का मतलब बिफोर द बर्थ ऑफ जेसस क्रिस्ट, यानी कि ईसा पूर्व, ईसवी से पहले का समय 483 ईसा पूर्व, आपको समझ में आ गया होगा। और यह कहां पर हुई थी मित्रों, तो यह हुई थी राजगृह में। यह कहां पर हुई थी, राजगृह में इसका हुआ था आयोजन, ठीक है ना। अब इसमें आपके वो कौन थे, ये तो आपका स्थान हो गया, ये तो आपका स्थान हो गया, और ये आपका सन हो गया, कब हुई थी कब नहीं हुई थी। अब क्या होता है, ये किसके काल में हुई थी, राजा कौन था मित्रों, तो राजा थे मित्रों अजात शत्रु। तो प्रश्न बनेगा मित्रों कि अजात शत्रु के काल में कौन सी बौद्ध समिति हुई थी, तो आपको बता देना है अजात शत्रु के काल में पहली बौद्ध समिति 483 बीसी राजगृह में हुई थी। आपको समझ में आ गया, 483 बीसी में, 483 ईसा पूर्व में, राजगृह में, अजात शत्रु के काल में, और किसकी अध्यक्षता में मित्रों, तो अध्यक्ष कौन था यहां पर, अध्यक्षता किसने की, तो मित्रों अध्यक्षता की थी आपकी महाकश्यप ने, महाकश्यप की अध्यक्षता में। तो आपसे चाहे सन पूछ ले 483 बीसी, चाहे आपसे स्थान पूछ ले राजगृह में हुई थी, चाहे आपसे राजा का नाम पूछ ले कि किस राजा के काल में हुई, तो अजात शत्रु। अगर आपसे अध्यक्षता पूछ ले कि किसने अध्यक्षता की, तो भी आप बता दोगे महाकश्यप। क्वेश्चन कोई छूटना ही नहीं है। कोई कहता है कि सर आपसे हम डाउट कैसे पूछें, आप तो ऑनलाइन पढ़ा रहे हो, भाई हो सकता है कमेंट नहीं पढ़ पाए, लेकिन मैं कहता हूं डाउट छोड़ूंगा जब पूछोगे ना, पहले डाउट तो ढूंढो, डाउट ही नहीं छोड़ेंगे हम। तो आपको सन, स्थान, राजा, अध्यक्ष, आपको सबको पता चल गया। अब जो दूसरी जो बौद्ध संगति हुई थी मित्रों, तो वो ही थी आपके 383 बीसी में, ठीक 100 साल बाद, ठीक है ना, 383 ईसा पूर्व। तो कहां पर हुई थी मित्रों, ये हुई थी आपकी वैशाली में, वैशाली में। किसके काल में हुई थी, कालाशोक के काल में हुई थी। कालाशोक नाम का एक राजा था, और इसकी अध्यक्षता किसने की थी, सावक मीर ने, सावक मीर इसके अध्यक्ष थे। अब आपसे 383 बीसी सन पूछ ले, स्थान वैशाली पूछ ले कि दूसरी जो बौद्ध समिति थी वो किस स्थान पर हुई, तो आप निश्चित ही बता दो कि वैशाली में हुई थी, कालाशोक के राज्यकाल में हुई थी, और आपके सावक मीर ने दूसरी जो बौद्ध समिति थी उसकी अध्यक्षता की। तीसरी जो आपकी हुई थी मित्रों, वो हुई थी आपकी 255 में, 255 बीसी में। अब प्रश्न ये बनता है, ये कहां पर हुई थी मित्रों, अब यह प्रश्न बनता है कि यह कहां पर हुई थी मित्रों, तो यह हुई थी मित्रों पाटलिपुत्र में। पाटलिपुत्र जिसका वर्तमान में नाम पटना कर दिया गया है, जो कि बिहार की राजधानी है, पाटलिपुत्र में। किसके राज्यकाल में हुई थी, अशोक। अशोक बहुत ही महत्वपूर्ण आपका राजा रहा है इतिहास में, बहुत प्रश्न बनते हैं अशोक के काल से, इसको भी बड़े ध्यान से पढ़ेंगे आगे की क्लासों में, अशोक के काल। और आपकी किसने इसकी अध्यक्षता की थी मित्रों, तो आपकी जो इसकी अध्यक्षता की थी वो की थी मोगलीपुत्र ने। किसने की थी, मोगलीपुत्र ने, मोगलीपुत्र इसकी अध्यक्षता करने वाले थे, ठीक है ना। और चौथी जो लास्ट बौद्ध संगति है वो हुई थी आपकी 102 एडी, इसको याद रखना, पहली जो शताब्दी है, एडी, एडी का मतलब जानते हो, आफ्टर द बर्थ ऑफ एनो डब्ल्यू, यानी कि एडी मतलब ईसवी, 102 ईसवी में, ठीक है ना, 102 जो सन था उसमें हुई थी। और कहां पर हुई थी मित्रों, ये बता दीजिए आप कहां पर हुई थी, तो ये हुई थी कुंडल वन में। किसके काल में हुई थी, कनिष्क के काल में। जितनी ये तीनों बौद्ध समिति
महत्वपूर्ण है उतनी ये अकेली चौथी बौद्ध समिति महत्वपूर्ण है मित्रों। कहां पर 102 एडी में हुई, क्योंकि ये तीनों बीसी में हुई है, ये अकेली एडी में हुई है तो महत्वपूर्ण है। कुंडलवल में हुई है, कनिष्क के काल में हुई है, और इसके अध्यक्ष कौन थे मित्रों? तो इसके जो अध्यक्ष थे वो थे वसुमित्र, वसुमित्र। लेकिन इसमें उपाध्यक्ष भी था मित्रों, इसमें एक उपाध्यक्ष भी था, उपाध्यक्ष भी था। बताइए, इसमें एक आपका उपाध्यक्ष भी था, इसमें एक उपाध्यक्ष भी था, उसका नाम बताइए। तो आप बता दोगे कि 102 एडी में चौथी बौद्ध समिति हुई थी। आगे समझ, आपके कहां पर हुई थी? कुंडलवन में हुई थी। आपका जो राजा था वो कौन था? कनिष्क था। किसकी अध्यक्षता में हुई? किसकी अध्यक्षता में हुई? तो वो वसुमित्र की अध्यक्षता में हुई थी। आपको समझ में आ गया होगा, पहली बौद्ध समिति 483 बीसी, राजगृह, अजात शत्रु और महाकश्यप। और चौथी महत्वपूर्ण क्यों है? चौथी महत्वपूर्ण क्यों है मित्रों? चौथी महत्वपूर्ण क्यों है बताइए, बताइए चौथी महत्वपूर्ण क्यों है बताइए? जो चौथी जो बौद्ध समिति हुई थी मित्रों, उसके बाद जो ये जो आपका जो ये बौद्ध धर्म है ना, ये दो भागों में बट गया। आपकी जो फोर्थ जो समिति थी उसने इसको हीनयान और महायान दो शाखाओं में बांट दिया था मित्रों। जो हीनयान थे ये आपके बौद्ध को ईश्वर मानते थे, जो गौतम बुद्ध है, जो गौतम बुद्ध है उसको क्या माना है इन्होंने? ईश्वर माना। जबकि जो महायान है इन्होंने बौद्ध को क्या माना? गौतम बुद्ध को क्या माना? इन्होंने महापुरुष माना। अगर इन्होंने ईश्वर माना तो उनके जो नियम थे उन्होंने इनको परिवर्तित कर अपने नियम बना दिए। इन्होंने क्या किए थे मित्रों? इन्होंने नए नियम बनाए, और इन्होंने महापुरुष माना तो महापुरुष के नियमों पर चले। इन्होंने कोई भी परिवर्तन नियमों में नहीं किया। तो यह था आपका बौद्ध धर्म, निश्चित ही आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगली एक छोटी सी क्लास होगी मित्रों, जिसमें आपको बताया जाएगा कि कौन सा राजा जैन धर्म से संबंधित था और कौन सा राजा आपका बौद्ध धर्म से संबंधित था। उम्मीद है आपको यह क्लास बेहद अच्छी लगी होगी, आपकी तैयारी को और मजबूत किया होगा, पूरे एक नंबर की क्लास लगी होगी। मैं उम्मीद रखता हूं आपने इसके नोट्स बना लिए होंगे, बड़े आपने कॉन्फिडेंटली इसको समझा होगा और आप पेपर की खोपड़ी में छेद कर कराओगे। मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।